हजारों करोड़ की काली कमाई बचाने के लिए ही छुपी फिर रही साजिश सौहर देवर के जनाजे में न आने पर सवाल। सौहर अतीक देवर अशरफ और बेटे असद की हत्या के बावजूद साजिश का कुछ पता नहीं। घर की तीन तीन लाशें उठी लेकिन वह किसी के जनाजे में शामिल होने नहीं पहुंची। सवाल ये है कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ने के बावजूद साजिश आखिर छुपी कैसे रह सकती है। सौहर अतीक देवर अशरफ और बेटे असद की हत्या के बावजूद साजिश का कुछ पता नहीं। घर की तीन तीन लाशें उठी लेकिन वह किसी के जनाजे में शामिल होने तक नहीं पहुंची। सवाल ये है कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ने के बावजूद साजिश आखिर छुपी कैसे रह सकती है। कहीं यह 5,000 करोड़ से अधिक की काली कमाई को बचाने का दांव तो नहीं। डर है कि कहीं वह जेल जाए और उसके गुर्गे ही संपत्तियों पर काबिज हो जाए। सवाल कयास और भी है लेकिन जवाब किसी के नहीं। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद होने के बाद साजिश खुद ही 50,000 की इनामी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह सामने नहीं आ रही है। 5 लाख के इनामी बेटे असद का एनकाउंटर हुआ तो यह लगा था कि साजिश अपने बेटे का चेहरा देखने जरूर आएगी, मगर यह जिस बेटे पर जान छिड़कती थी उसे वह आखिरी बार देखने तक नहीं पहुंची। इसके बाद अतीक और अशरफ की हत्या हुई तो किसी को कल्पना भी नहीं थी कि वह नहीं आएगी। अफवाहें कई तरह की उड़ी, यहाँ तक उड़ाया गया कि साजिश शौहर देवर को देखने के लिए अस्पताल पहुंच गई है, सरेंडर कर दिया है। सारी बातें हवा हवाई थी और साजिश की हर जगह गैर हाजिरी ने यह सिद्ध भी कर दिया कि असल सवाल यह है कि साजिश इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है। इसके पीछे कुछ दलीलें हैं। बड़ी यही कि अतीक ने काली कमाई के जरिए 5,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जुटाई है। कई कंपनियां खड़ी की हैं। ईडी की छापेमारी के बाद बहुत कुछ सामने आ भी चुका है। अतीक के रहते साजिश आश्वस्त रहती है कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा। खुद साजिश को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं थी, मगर अब तो हालात एकदम उलट हैं। अतीक का एक बेटा ढेर हो चुका है, 2 जेल में है और 2 बाल संरक्षण गृह में है। अगर वह पुलिस या अदालत के समक्ष समर्पण कर देती है तो उसे भी जेल जाना होगा। उसके लिए जेल से जमानत पर बाहर आना आसान नहीं है। उसके खिलाफ कई नए मामले भी दर्ज हो सकते हैं। ऐसे में सलाखों के पीछे ही लंबी जिंदगी काटनी पड़ सकती है। उसके जेल जाते ही अतीक के लिए काम करने वाले ही हावी हो सकते हैं। लिहाजा संपत्ति को बचाने के लिए साजिश ने इतना कड़वा घूंट पिया है। वहीं अब अतीक के प्रयागराज से लेकर देश के विभिन्न शहरों में रियल एस्टेट कारोबार को संभालेगी। हाल ही में अतीक के करीबी वकील खान शौलत हनीफ, अकाउंटेंट सीताराम शुक्ला, रियल एस्टेट कारोबारी खालिद जफर, बसपा के पूर्व विधायक आसिफ जाफरी, बिल्डर संजीव अग्रवाल, कार शोरूम मालिक दीपक भार्गव समेत 18 से अधिक लोगों के यहां ईडी की छापेमारी से 50 से अधिक खोखा कंपनियों का पता चला है। इनमें रकम अतीक ने निवेश की थी। इनके जरिए अतीक अपने काले धन को सफेद करता था। यही सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है।